कदम बढ़ाओ। तो आजाद साहब जम्मू कश्मीर का हीरो कौन, जम्मू कश्मीर का हीरो कौन, आजाद साहब जी बल्ले बल्ले, आजाद साहब जी बल्ले बल्ले, आजाद साहब जी बल्ले बल्ले। का पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है, आपको मालूम है इन 5 सालों में ना ही आपके यहाँ बिजली पोल है बिजली पोल नहीं, सारा जोर आपके पानी नहीं, यहाँ पे पीने का पानी नहीं, यहाँ पूरे सुरूर इलाके और कोतवाला इलाके में सरसल से लेकर अब भजवा तक बिल्कुल पानी की बहुत सारे गांव में नहीं है, तबाही और बर्बादी है। अगर देखा जाए तो जब 2014 का इलेक्शन हुआ था तो कहा गया था कि हम आपको 15 लाख रुपया जनधन योजना देंगे, मेरी तरफ ध्यान है आपका, हम 15 लाख जनधन योजना का भाई ये महाराजा ने किया। पहली बार आपने आजाद साहब को हराया, आपने कैसे हराया आजाद साहब को, अगर गांव में 10 वोट थे आपने 6 वोट डाले, 4 डाले नहीं, अब 30,000 वोट कम हो गया आजाद साहब को। आज मेरे से आज आजाद साहब ने जिस आदमी ने आजाद साहब को हराया, क्या आप सबको दुख हुआ आजाद साहब के हारने का, हाथ खड़े करो जिसको आजाद साहब का हारने का दुख हो गया आप सब, तो मुझे बताइए आधा ले दिया, कुछ नहीं दिया, फिर वोट किस काम का देना है। और उसके अलावा वो एमपी पीएमओ ऑफिस का मिनिस्टर उसके पास रूलर एनर्जी मैंडेट दिया और आप लोगों ने इनका साथ दिया और तभी जाके ये ताकि मुमकिन हुई, लेकिन ये इंदरवाल की आवाम एक ऐसी आवाम है जिन्होंने 2014 के इलेक्शन में ये यहाँ के हिंदू ने वो गुलाम नबी आजाद साहब है जब 2006 में ये चीफ मिनिस्टर बने यहाँ के, तो इन्होंने पहली बार आपके लिए 6 डिस्ट्रिक्ट दिए, मरवा दक्षिण से लेकर से लेकर हिमाचल की। विक्रमादित्य जी है महाराजा हरि सिंह जी के, महाराजा हरि सिंह जी के पोते और करण सिंह जी के बेटे, वो हर जगह तो पहुंच नहीं सकते, मैंने उनको कहा आप कठुआ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि कठुआ डिस्ट्रिक्ट नहीं मेरा बेटा करके दिया था, तो इसलिए उनको कहा चुके हो तुम कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बैठो, बाकी दक्षिणा वैली में हम सब लोग देखेंगे, यहाँ हम सब हिंदू मुसलमान गुजर बकरवाल गदी सब एक है, फर्क नहीं है, तो हम सब मिलकर उसे भारी अक्सरियत से, मैं चाहूंगा कि जितनी लीड मुझे पिछली दफा मिली उससे दुगनी लीड उनको मिलनी चाहिए, तभी हम जाके जीते। जिन जगहों के सरोड़ी साहब ने नाम लिए मैं, मुझे उतने नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है मैं एक नहीं एक दफा सब जगह गया हूं, और ये वो कुछ ऐसी जगहें हैं जहां बकरी भी नहीं जा सकती, बकरी सबसे ज्यादा पहाड़ में चढ़ती है, लेकिन इन इलाकों में मेरे भाई बहने खास करके गुजर बकरवाल भाई हमारे शेड्यूल कास्ट भाई इन जगहों में रहते हैं जहां तालीम के सेहत के कोई भी मौके नहीं है, बहुत कोशिश इन 10-15 सालों में हमने की जब हमारी हुकूमत रही, और खास तौर से मैं सरोड़ी साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने बहुत मेहनत की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की खिदमत करने के लिए। मुझे अगर नंबर देने होंगे पूरे हिंदुस्तान के सभी MLAs में जो तकरीबन 4,500 के करीब हैं सभी पार्टी के, तो सरोड़ी साहब को 100% नंबर मिलेगा। ये कोई पहाड़ी है ऐसी रही नहीं है जहां ये पैदल या सड़क से नहीं पहुंचते, और शायद कोई ऐसा तबका नहीं जिससे ये रابطہ नहीं रखते हो, सबके साथ बराबर का सलूक,
करते हैं और ये इंसानी फर्ज भी है और हमारी पार्टी का नस्ब लैंड भी है कि हम आपस में कोई भी धर्म का आदमी किसी भी जात का आदमी उसके साथ बराबर का सलूक करें और उसे इंसाफ दें। हुकूमत और हुकूमत बनाने वाले एमएलए और एमपी और मिनिस्टर इन सब का फर्ज यही होता है कि वो सबके साथ इंसाफ करें। आज मैं देख रहा हूं इसी इंसाफ की वजह से कि इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सड़कों का जाल है और मुझे भी दिल्ली तंग करते रहते हैं, यहां सड़क वहां सड़क। बहुत कम हमारी रियासत के दिल्ली में कोशिश करते हैं बरकत से स्कीमें लाने की, लेकिन सुरुड़ी साहब बराबर कोशिश करते हैं। ये हिंदू गद्दी जितने साढ़े ट्राइब दे ए जड़े गुजर जड़े ऊपर जाते जंगलों में, ये जड़े चराई आज ते स्टेट कर नहीं देनी ना, घा चराई भी कर सकते जंगल में, मकान भी बना सकते, हल भी जोत सकते। ए कानून ऐसे 2006 अप्रैल विच बनाया था पूरे देश दे वास्ते, लेकिन कुछ स्टेट ढिले पै गए। तो हुण ऐसे अपना जेड़ा मंशूर है उसके विच किया कि सारे स्टेटां तों ये लागू करा, ये थारे वास्ते मौज करो। फिर मैं सानू भी बुलाइयो, मैनू तो सुरुड़ी साहब नू कदे।